नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रकाश नॉर्थ आज होटल राजविलास के पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह जी तथा बाला वेंकटेश जी, शास्त्री जी, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी एवं पूर्व SDM योगेंद्र द्विवेदी जी के साथ पत्रकार वार्ता ली गई। माननीय श्री पुष्पराज सिंह जी के द्वारा ये कहा गया कि रीवा के आध्यात्मिक, सामाजिक, संस्कृत क्षेत्र का सबसे स्मरणीय पल है जब हमें आदरणीय धर्म रक्षक श्री नरेंद्र मोदी जी के बद्रीनाथ धाम को एक वृहद रूप देने में जमीन टूटी। इसका एक बड़ा मुआवजा लगभग 4,60,00,000 का प्राप्त हुआ और उसके बाद वहाँ पर हमारे पास 3,000 स्क्वायर फीट जमीन कुछ दूर उपलब्ध थी। जमीन पर आज ऐतिहासिक निर्णय माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने लिया कि वहाँ पर एक लक्ष्मण बाग का आश्रम निर्मित होना चाहिए, जिसकी पहल माननीय श्री पुष्पराज सिंह जी ने की। आज दोपहर लक्ष्मण बाग में संबंधित लोगों के समक्ष माननीय उप मुख्यमंत्री जी ये घोषणा की और ये निश्चय किया गया कि माननीय महाराज पुष्पराज सिंह जी, योगेंद्र द्विवेदी जी और अन्य लोग देहरादून जाकर इसके बारे में प्रशासकीय कार्य स्वीकृति तथा आर्किटेक्ट का चयन करेंगे। इसमें माननीय पुष्पराज सिंह जी को अधिकृत किया गया कि वे वहां के सरकार में चर्चा करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा माननीय उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री सतपाल महाराज जी का टेलीफोन आया, जिस पर उनसे सारी बातों को अवगत किया गया। उन्होंने खुशी जाहिर की कि ये ज्ञातव्य रहे कि बढ़ी हुई मुआवजा राशि प्रदान करने में आदरणीय सतपाल महाराज जी की अहम भूमिका भी प्रशंसा एवं साधुवाद किया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि केदारनाथ में लगभग 6,000 स्क्वायर फीट लक्ष्मण बाग की जमीन है, वहाँ भी धर्मशाला में मंदिर बनाया जाएगा। टीचर महीने का लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का, तो आज सबसे ज्यादा प्रयास इस बात के लिए किया जा रहा है कि कम से कम 2.5-3 लाख रुपए कृषि की आय को छोड़ करके हमें आय प्राप्त होने लगे। तो जब ये आय हमें प्राप्त होने लगेगी तो जो लक्ष्मण बाग के खर्चे हैं उसको हम मेंटेन कर पाएंगे और कृषि से जो आय होगी उससे हम विकास कर पाएंगे। आज की तारीख में ये प्लान चल रहा है। अभी उसके लिए जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, मड़वास में एक जमीन है, मड़वास में 20 शहर में जमीन है। अभी उसकी खेती के लिए नीलामी होती थी, कृषि के लिए नीलामी होती थी, 5,000 रुपए 10,000 रुपए साल में आ रहा था। तो अभी उसमें वहीं से ऑक्शन करके पैसा लिया गया है पगड़ी के रूप में 2 करोड़ के आसपास, और 1.5-2 करोड़ में वहां पे अभी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा विकसित किया जा रहा है। अब वो कॉम्प्लेक्स विकसित हो जाएगा, सिमरिया में कॉम्प्लेक्स है अपना, तो सिमरिया का वहाँ का इस तरह से आज सिमरिया क्या बताते हैं, किराया भाड़ा नगर पंचायत से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर सत्र चल रहा है, लेकिन उसके बीच में ही वो हम चारों को बुलवा लेंगे और वहाँ जाकर हम लोग जो स्पेड वर्क होता है, जो प्राथमिक कार्य होता है वो करके, अर्थात आर्किटेक्ट हमारा इंजीनियर वहाँ बात कर ले, उसके मैप्स बन जाए, उसकी सारी डिजाइन बन जाए। और उन्होंने एक विशेष बात और बोली कि रीवा राजघराना वहाँ श्रृंगारी के रूप में जाना जाता है, जैसे भी आपको बताया गया, तो उसकी भी उन्होंने डिटेल मंगाई है, उसकी भी पूरी इन डेप्थ डिटेल्स मंगाई है कि जिससे वहाँ पर और पूरे भारत को ये सूचना दिया जा सके कि रीवा राजघराना और लक्ष्मण बाग का रिश्ता बद्रीनाथ से क्या था, कैसा था, किस प्रकार से था, कितना प्राचीन है, और उसके हैसियत से हम लोग वहाँ श्रृंगारी बनाए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, शुक्ला जी का, कि जिन्होंने पहले दिन से लक्ष्मण बाग के लिए इतनी ज़्यादा चिंता करी है और इतना ज़्यादा प्रयास करा है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपकी कृपा सदैव रही है, डॉक्टर चतुर्वेदी जी की कृपा हमेशा रही है, आपका एक अथक प्रयास और परिश्रम रहा है, और मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं मानता हूँ कि आज ये उमंग का दिन है, रीवा के लिए अत्यंत खुशी का दिन है। शायद ये 200 साल बाद रीवा के भाग्य में फिर से ये बात आ रही है कि हम बाहर जाकर अपने लक्ष्मण बाग का झंडा गाड़ रहे हैं, अपने गुरु क्षेत्र का झंडा गाड़ रहे हैं, और वहाँ एक दो दो जगह, एक नहीं केवल बद्रीनाथ में ही नहीं, ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में भी हम एक बहुत बृहद आश्रम बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। सांस्कृतिक और धर्म संबंधित विषय और इतिहास का आज स्वर्णिम पल है। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व से
हम लोग सब लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ उनके नेतृत्व में बैठकर बहुत बड़े निर्णय लिए, जिसमें से ये भी था कि जो हमारी जमीनें हैं पूरे भारतवर्ष में लक्ष्मण बाग की, वो जमीनों को कहीं ना कहीं हम अपने हाथ में लें, अपने काबिज में करें और वहाँ पर धार्मिक कार्य और जो लक्ष्मण बाग का कार्य है वो और अच्छी तरीके से आगे बढ़े। जिसमें से जो सबसे बड़ी जमीन हमारी थी और महत्वपूर्ण जमीन थी वो थी बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में जब हमारे आदरणीय श्रद्धे, हमारे धर्म रक्षक, हमारे समाज के पालक आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आदेश से जब वहाँ पर कार्य शुरू हुआ, जिस प्रकार से उज्जैन में हुआ, जिस प्रकार से सोमनाथ और वाराणसी में हुआ, उसमें ये हमारी जो एक जमीन थी बद्रीनाथ में वो फंस रही थी और उसका हमें मुआवजा मिला लगभग 4,60,00,000। और हमारे साथ आदरणीय हमारा जो पूरा लक्ष्मण बाग का SDM साहब विराजे हैं और उन्होंने वहाँ पर जाकर पूरा संघर्ष किया, पूरी लड़ाई लड़ी, वो अपनी बात कहेंगे। वो पैसा जब हमको मिला उसके बाद भी हमारे पास वहाँ लगभग 3,000 square feet जमीन है, जिस पर आज ये मोहर लगी आदरणीय राजीव शुक्ला जी DC साहब के पास। मैं सुबह गया कि वहां अब धर्मशाला एक बनानी चाहिए और एक अच्छी धर्मशाला बने, अपने लक्ष्मण बाग विंध्य क्षेत्र की धर्मशाला बने, जहां पर हमारे यहां से जो भक्तजन हैं, जो हमारे मनीषी हैं, जो हमारे लोग हैं, वो वहां पर जाकर रह सकें और पूजा पाठ कर सकें। ये एक बहुत अद्भुत निर्णय है। मैं जब यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो मेरी आदरणीय सतपाल महाराज जी से बात हुई है और उनके सारे लोगों से बात हुई है। हम लोगों ने तय करा है कि वहाँ का एक आर्किटेक्ट रहे, यहाँ से इंजीनियर जाए, द्विवेदी जी SDM साहब के साथ में हम लोग आदरणीय बाला वेंकटेश जी, डॉक्टर साहब प्रभाकर चतुर्वेदी जी, हम लोग सब लोग जाकर वहां पर देखें कि क्या संभावनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से आपको बताया जाए कि वहां पर हरिद्वार में हमारी कितनी जमीन है और हमारी जमीन बद्रीनाथ में कितनी है, उसका पूरा लेखा जोखा आप भी देंगे और उसके बाद आदरणीय शास्त्री जी संबोधित करेंगे। ये बद्रीनाथ में हमारी लगभग 15,000 square feet जमीन थी। एक प्रमुख मंदिर जो है बद्रीनाथ जी का, ठीक उसके सामने हमारे रीवा राज्य का मंदिर था और इसका एक कुछ इतिहास इस तरह से है कि वहां के राजा को भोग का अधिकार प्राप्त था और श्रृंगार का अधिकार रीवा राज्य को प्राप्त था, तो इसीलिए उस मंदिर को श्रृंगारी मंदिर कहा जाता था। वो श्रृंगारी मंदिर ठीक जो बद्रीनाथ का मंदिर है ठीक उसके सामने। तो अभी जब चूंकि ये हर जगह जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विस्तार किया जा रहा है, हर जगह मंदिरों का आवागमन सुगम बनाया जा रहा है, उसके तहत वो जो 11,500 square feet जमीन थी ठीक बद्रीनाथ मंदिर के सामने, मतलब आप बद्रीनाथ के मंदिर से निकलते हैं तो ठीक उसमें पहुंचेंगे हमारे इस जो रीवा राज्य का श्रृंगारी मंदिर था उसमें। तो अब चूंकि वो संकीर्ण था, संकीर्ण तो वास्तव में था ही, तो 11,500 square feet जमीन हमारी गृहित कर ली गई शासन द्वारा मंदिर बद्रीनाथ के रूप से। अब 3,000 square feet जमीन हमारी दूसरी जगह थी, यद्यपि वो भी अधिग्रहित की जा रही थी, 3,000 square feet भी अधिग्रहित की जा रही थी। तो 3,000 square feet जमीन अधिग्रहित होने की स्थिति में हमें मुआवजा भी कम मिल रहा था, 2.5 crore रुपए मुआवजा मिल रहा था,
तो 3,000 वर्ग फीट जमीन उस महाराज साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा कि उसमें 3,000 वर्ग फीट जमीन छूटी। 3,000 वर्ग फीट जो जमीन छूट गई, तो अब आज ये निर्णय हुआ, जैसे महाराज साहब बता रहे थे कि उसमें धर्मशाला या कुछ इस तरह की चीजें कि यहाँ के लोग जाएं तो रुके, छोटा सा मंदिर, ताकि यहाँ का जो श्रृंगारी मंदिर है, श्रृंगार का घर है बद्रीनाथ, वो यथावत बना रहे। तो इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है, महाराज साहब इसमें काफी प्रयासरत है। दूसरा एक हरिद्वार है, वहीं से पहले हरिद्वार से ही तो हरिभूम चालू होती है उधर, तो हरिद्वार में भी अपनी लगभग लगभग 12,000 स्क्वायर फीट जमीन है और उस सती घाट कहलाता है, गंगा नदी का बिल्कुल किनारा है सती घाट कनखल में। तो 3,000 वर्ग फीट जो जमीन है उसमें भी अभी जो भी संरचना है वो टूटी फूटी संरचना है, बीच में एक छोटा सा मंदिर है, कोई अभी उसमें किसी प्रकार का विस्तार नहीं है। एक निर्णय ये भी लिया जा रहा है कि हरिद्वार में भी अपने रीवा राज्य का एक धर्मशाला या कुछ इस तरह की चीजें कि अपने रीवा राज्य के जो लोग भी जाएं वो वहां रुक सकें, और एक मंदिर या जो भी इस तरह की चीजें, तो अब इस संबंध में जो भी उसका प्लान होगा तो प्लान तैयार करने के लिए यहां से जो भी आर्किटेक्ट होगा प्लान तो आर्किटेक्ट ही तैयार करेंगे, तो यहाँ के भी आर्किटेक्ट जा रहे हैं, प्लस महाराज साहब ने अभी बात की सतपाल महाराज जी से वहां पर उत्तराखंड में कि वहां से भी हमको आर्किटेक्ट मिल जाए, वहां से आर्किटेक्ट की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।